गाइज वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो ऑलरेडी आप हिंदी इंग्लिश का देख चुके हैं, तो हम चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखते हैं कि इसमें क्या आंसर्स है। आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, वैसे आपका आंसर्स किया आता ही होगा उसे मैच कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कहती हूँ कि 100% हमारा ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा शिक्षक का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा विवेधीकरण। कौन सा हो जाएगा, तो विवेधीकरण। और तो इन लोगों ने क्वेश्चन आज क्या बनाया है पता नहीं, कैसे क्वेश्चन सेट किया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या है, तो जीके भी घुसा दिया है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, तो उड़ीसा। सीखना क्या है, सीखना मैंने आपको पढ़ाया है कि सीखना क्या है, तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है माँ के पेट से ही। माँ के पेट अभिमन्यु कैसे सीखा था, उसी तरीके से माँ के पेट से ही बच्चे सीखते आते हैं। जहाँ व्यक्ति को क्या है, तो खुद से प्रयास करना पड़ता है। यूनेस्को में ई का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है यूनेस्को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए तो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो एजुकेशनल होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस करके आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है, तो राज्य निकायों पर और केंद्र निकायों पर, तो आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षण कैसी तकनीक है, तो शिक्षण क्या है, चित्रण प्रदर्शन स्पष्टीकरण उपयुक्त सभी है। शिक्षण अधिगम के यहाँ पे तकनीक क्या है, तो शिक्षण अधिगम के आयोजन योजना नियंत्रण। देखो वैसे तो उपरोक्त सभी होगा, लेकिन नियंत्रण मुझे लग नहीं रहा है, खैर देखिए क्या होता है, तो आंसर से उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रबंधन का मुख्य दृष्टि क्या है, तो सामाजिक न्याय है, सामाजिक मांग है और मानव शक्ति का विकास है, तो 103 का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी होगा। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, अपने छात्रों को समझाना, अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल हासिल करना, तो सेम एज इट इज उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, महत्वहीन नहीं, ये नेगेटिव वर्ड्स है, बच्चे लापरवाह है, नेगेटिव वर्ड्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या बचा, तो पॉजिटिव आंसर यहाँ पे आप लगाएंगे। जो आपको हर अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है, जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने, अच्छी संदर्भ सामग्री, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें क्या है भाग लेना, तो ये क्या है सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, तो आप इसमें बताइए। पुस्तक पढ़ने के लिए तो आप ये बात नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाएगा, चर्चा की पहल करना और प्रारंभ लेने के लिए करना। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश से किरण नहीं गुजर सकती है, तो कोई प्रकाश से किरण तो वो अपारदर्शी होती है, जिसमें कुछ नहीं गुजर सकता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि वह क्या है, तो यदि वह एकीकृत होना चाहिए, विषयगत होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, तो इसमें भी आंसर्स आपका उपरोक्त सभी होगा, लेकिन समावेशी भी हो सकता है। खैर आंसर्स आने दीजिए तभी कुछ बता सकते हैं। फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल को विकसित किया जा सकता है, तो किसका आप उपयोग कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंतःक्रिया विश्लेषण। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली कैसी हो, प्रयोगशाला पुस्तकालय, तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों है। फिर यहाँ पे देखिए शिक्षण की निपुणता से मास्टर लर्निंग किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, तो यहाँ पे किसके द्वारा, तो स्कीनर के द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं शिक्षकों के लिए मानदंड किसके लिए निर्धारित किए जाते हैं, तो ये आप सभी पढ़ा है NEP में, अगर आपने पढ़ा होगा तो NCTE के द्वारा किया जाता है। डैश के अभाव में मनुष्य व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, तो ज्ञान के अभाव में क्या होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। समाचार पत्र क्या है, तो एक क्या है फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप इंग्लिश में आप देख सकते थे औपचारिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो विद्यालय के समाज का लघु रूप जो मानते हैं, तो ये मानते हैं प्रयोजनवादी, ये BEd में पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। दर्शन और शिक्षा किसके दो पहलू, किसने कहा था, तो वैसे ये देख लीजिए एडम्स भी कहे थे और रॉश भी कहे थे, तो आंसर देख लीजिएगा क्या आता है वहां का। प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए, केवल अगर जिसमें लगा है तो वो तो पहले ही आप हटा दीजिए, तो योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए, हमेशा आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो आंसर क्या होता है चाइल्ड सेंटर। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रमण, देखें यहाँ पे सबसे पहले प्रकृतिधरवाती नहीं, भंगीमा अंगे ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा सहयोगी, जो आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है पॉजिटिव मारिए। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से बड़ा स्रोत क्या है,
तो बड़ा असंसाधित जल, कृषि संबंधी जल अवनियमित और लघु धार्मिक रीति रिवाज, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अवनियमित लघु उद्योग। चलिए इसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।